फॉर्मर ड्रैप को देखो, ट्रांसफार्मर के कितने वेरिएशन को बन पड़े, ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होगा, ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है, ट्रांसफार्मर स्मॉल किधर है, मतलब दो टाइप, एक क्या होता है स्टेप अप और दूसरा क्या था रिस्पॉन्स का, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वो वोल्टेज को क्या करता, अप करता मतलब बढ़ाता है, और स्टेप डाउन का काम क्या है, वोल्टेज को कम करता, क्लियर। तो अपन अभी जब बात कर रहे हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों को मिला के फार्मूला डिराइव करेंगे, ये फार्मूला डिसाइड करेगा कि किसमें नंबर ज्यादा होते हैं, किसमें वोल्टेज ज्यादा होता है, किसमें करंट ज्यादा होता है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अपन फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि सपोज अपने पास अगर एक ट्रांसफार्मर है, ये क्या है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर होता है कैसे, ये याद होगा, याद है ना, ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे, याद है कि नहीं, तो ये इसके प्राइमरी पार्ट्स हैं, ये क्या नंबर ऑफ टर्न्स, और यहां पे क्या होता है सेकेंडरी कॉइल, इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और इसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। आप प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल अच्छे समझ लो, इसके दो वेरिएशन को डिस्कस कर रहे हैं। अगर मेरे पास ट्रांसफार्मर जो होता है दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट आप स्टेप अप, स्टेप अप, और सेकेंड क्या होता है स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है, क्या करता है, तो याद होगा जब हम पढ़े थे तो स्टेप अप में प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों में अगर इसको अगर बनाऊं तो यह कैसा था, ऐसा था, तो नंबर ऑफ टर्न्स किसमें, तो ये एन वन और ये एन, तो किसका वैल्यू क्या होता है, एन टू ग्रेटर देन था ऐसा। स्टेप डाउन के लिए अपन एक रूल बनाया, क्या बनाया, मतलब क्या पढ़े इसके बारे में, कि इसका जो सेकेंडरी पार्ट होता है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है कंपेयर टू प्राइमरी कम, रिस्पॉन्ड बना सकते हैं, समझ में आ गया। तो इसके बेसिस पे क्या होगा, एन वन ग्रेटर देन क्या, तो क्लियर है, क्लियर है, यस सर, यस। अब अपन क्या करते हैं, इसके बेसिस पे अपन एक ऐसा फार्मूला डिराइव करेंगे इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे जो वेरिएशन बताएगा कि अगर स्टेप अप है तो वोल्टेज ज्यादा होगा कि ईएमएफ ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा, अगर स्टेप डाउन है तो वोल्टेज ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा, ईएमएफ ज्यादा होगा, क्लियर है। इस वेरिएशन को ध्यान से पढ़ने के लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, पढ़े हैं मैम, अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, पढ़े हैं ना, सेकंड लॉ क्या बोलता है, इस लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स, ऐसे ना, क्या था, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट टू द चेंजिंग लिंक्ड मैग्नेटिक, रेट ऑफ चेंजिंग लिंक्ड मैग्नेटिक, जब तक लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कौन बोला था ऐसा, क्लियर है मेरी बात, सपोज तो इसके लिए फार्मूला क्या लेते हैं, डी फाइव बाय डी, लेकिन प्राइमरी पार्ट में नंबर ऑफ टर्न्स है तो प्राइमरी पार्ट में एन वन, तो इसको क्या लूंगा एन वन, ऐसा ले सकता हूं, किस केसेस के सोचना, ई वन एंड फॉर सेकेंड कॉइल, फॉर सेकेंड सेकेंड कॉइल ई टू इज इक्वल टू माइनस एन टू डी फाइव बाय डी। अच्छा दोनों में ईएमएफ अलग अलग है, क्यों ईएमएफ अलग अलग है, क्योंकि ईएमएफ का मतलब होता है वोल्टेज, ईएमएफ का यूनिट क्या होता है वोल्ट, जो इनिशियल यूनिट है, जो गिवन यूनिट है, और जो एक्सेप्ट जो यूनिट है, मतलब इनपुट यूनिट और आउटपुट, इनपुट ईएमएफ और आउटपुट ईएमएफ, दोनों ईएमएफ क्या होंगे, सेम होंगे कि अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे, इसलिए तो ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज कहीं पे ज्यादा चाहिए तो वोल्टेज कहीं पे क्या चाहिए कम चाहिए, ठीक। अगर मैं बात करता हूं इफ इफ वी आर टेकिंग आइडियल आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है पता है, कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि जितना फ्लक्स ये बना रहा होगा वो सारे फ्लक्स को किस में लिंक कर रहे होंगे, मैं सेकेंडरी कॉइल में लिंक कर रहा हूँ, सारा का सारा फ्लक्स क्या होगा लिंक कर रहा हूँ, नहीं समझ रहा, जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल बना रहा होगा सारे कॉइल सारे फ्लक्स किस काम पे लिंक करते होंगे सेकेंडरी कॉइल, इसी को क्या बोलते हैं आइडियल। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता,
क्योंकि कुछ लिंक क्या होता है अगर पढ़े लॉसेस में लिंक्स लीकेज ऑफ लिंक्स फ्लक्स लीकेज ऑफ फ्लक्स पढ़े तो कुछ फ्लक्स क्या होता है लीक हो जाता है उस लीक से बचने के लिए अपन क्या करते हैं बहुत सारे तरीके हैं अपन पढ़े उसके बारे में ठीक तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर लूंगा तो इनिशियल इनपुट फ्लक्स होगा आउटपुट फ्लक्स के क्या होगा बराबर इतनी सी बात क्लियर है तो इसी बेसिस पे देखो यहाँ पे डी फाइव बाई डी टी और यहाँ पे भी डी फाइव बाई डी टी मतलब इनिशियल में भी फ्लक्स सेम है और सेकेंडरी में भी फ्लक्स क्या है क्यों सेम है क्योंकि अपन कौन सा ट्रांसफार्मर में बात कर रहे हैं आइडियल लेकिन प्रैक्टिकली आइडियल ट्रांसफार्मर पॉसिबल नहीं क्लियर मेरी बात अब मैं क्या करता हूँ from equation number 1 divided sorry 2 divided by 1 2 में 1 को divide करो it becomes e2 by e1 minus n2 d5 by dt minus n1 d5 by dt it is a cancel e2 by e1 minus n2 by n1 minus also cancel तो finally अपने क्या मिला finally क्या मिला मिल गया इतना E2 by E1 is equal to N2 by N1. इतना सा चीज सब क्लियर हो गया अब इसके भी आप पे अपन क्या कर सकते हैं फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर ये पता है कि जितना इनपुट पावर दूंगा उतना ही पावर मेरे को क्या मिलेगा कुछ याद आया इनपुट पावर आउटपुट पावर 50 वाट 5 to 10 कुछ पढ़े था पर ऐसा कुछ मतलब जितने वोल्टेज को कम ज्यादा करेगा जितना वो वोल्टेज को कम करेगा उतने करंट को क्या करेगा इंक्रीज कर देगा और जितना करंट को जितना वोल्टेज को कम करेगा उतने करंट को इंक्रीज करेगा और जितना वोल्टेज बढ़ाएगा उतने करंट को क्या करेगा डिक्रीज कर देगा अपोजिट चलता है पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे तो इनपुट पावर अगर मैं ले रहा हूं तो VI पढ़ा है कुछ इनपुट का तो 1 1 आउटपुट का तो 2 देख सकता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं V2 बाय V1 तो I2 बाय क्या लिखूंगा I लिख सकता हूं क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यूनिट बेसिस पे तो वर्क तो दोनों सेम कर रहे हैं तो दोनों का यूनिट भी क्या चल रहा है वोल्ट तो अपन यूनिट बेसिस इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं सिमिलरली लिख सकते हैं क्लियर है मेरी बात तो अपन इक्वेशन नंबर ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3 और 3 में देख रहा हूं e2 / e1 का वैल्यू निकल चुका है e2 / e1 का वैल्यू क्या निकला e2 / e1 निकला कि नहीं निकला तो उस वैल्यू को आगे पुट कर सकता हूं तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा फ्रॉम इसको इक्वेशन नंबर ले लेता हूं या फिर डायरेक्ट अच्छा v2 / e1 का एक और वैल्यू निकला क्या निकला i2 / i1 इस पूरे इक्वेशन नंबर का कर लेता हूं 4 तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 में क्या दिख रहा है सबको अगर मैं मिला कर लिख दूं तो e2 / e1 तो क्या होगा v2 / v1 i2 / i1 तो यहां पे क्या होगा n2 / इतना है आया इस सब के इक्वल में क्या लेते हैं r क्या लेते हैं इसको r आर को बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो क्या बोलते हैं इसको फोर्थ में क्या निकला
ई टू ग्रेटर देन क्या समझ में आया? ई टू ग्रेटर देन क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि अगर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होगा, प्राइमरी में कम होगा। अगर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होगा तो उसका जो प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है सेकेंडरी के कंपेयर में क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है? देख रहे? और इसमें क्या होगा, सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा है, सेकेंडरी में से करंट क्या है कम, प्राइमरी में ज्यादा। समझ में आ रहा है? अपोजिट चला, समझ में? और इसका ईएमएफ किसमें ज्यादा होगा? सेकेंडरी में। क्यों? क्योंकि ये तो हो क्या रहा पता है, ये वोल्टेज इंक्रीज करें तो करंट को क्या कर दिया आपको? दिखा कि नहीं दिखा? दिखा सबको? अब इसी के ध्यान में अगर मैं स्टेप डाउन की लिखूंगा तो स्टेप डाउन में क्या होता है, एन1 ग्रेटर देन एन2, मतलब डिनोमिनेटर टर्म ज्यादा है, तो ये क्या होगा, यहां पे i2 ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू i1, यहां पे क्या ज्यादा हो जाएगा v1 कंपेयर टू v2, फोर्थ में क्या होगा e1 कंपेयर टू, नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? अब देखो ये सारे पॉइंट खुद से लिखना, दिमाग में बैठाना है, ठीक? अगर आपको कोई पूछता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, कौन से ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करंट की वैल्यू किसमें ज्यादा होगा, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? सेकेंडरी में ज्यादा। स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, तो लेकिन करंट वहां पे क्या कर दे रहा है, वो इंक्रीज है। क्लियर है? ठीक है। देखो The value of transformer ratio क्या बोलता है, value of transformer होता कैसे, अच्छे समझो। अभी अपन एक फार्मूला निकाल लेते हैं, n2 by n1 is equal to r, n2 by n1 is equal to निकाल लेते। तो इसके भी आप पे कहीं भी n2 by n1 दिखे हुए फॉर्म में क्या लिखूंगा, r। तो अगर स्टेप अप लिखता हूं, स्टेप अप में क्या होता है, n2 greater than n1, पढ़ चुके? अगर n2 के नीचे n1 को ले गया डिनोमिनेटर, क्या बचा हुआ, n2 by n1 का वैल्यू कितना चला r, तो r मतलब ट्रांसफार्मर रेशियो का वैल्यू, ट्रांसफार्मर रेशियो का वैल्यू किसमें, स्टेप अप के लिए क्या होता है, 1 से ज्यादा। क्लियर? अब ऐसे ही क्या करते स्टेप डाउन, किसके लिए स्टेप डाउन, स्टेप डाउन अगर जाता n1 और साथ में क्या है n2, कौन जा रहा है, तो यहां पे 1 इसको उसके डिनोमिनेटर में ले जाएगा, हो जाए? तो इस पूरी की वैल्यू कितनी होगी, मतलब स्टेप डाउन में r की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम। सबको क्लियर मेरी बात, ये पॉइंट डिटेल ओके सर, यस जल्दी हो गया।